देश प्रदेश में मौजूद मेरे तमाम साथियों को YouTube चैनल थर पर वेलकम आज हम आपको दिखा रहे हैं उमरकोट सिंध पाकिस्तान के मशहूर तारीखी और हिस्टोरिकल शहर न्यू चोर की ये मनाजर जहां पर आज भी 80% परसेंट हिंदू अकलीती बरदरी का राज रहता है ये मनाजर हैं न्यू चोर के छोर खोखरा पार का जो मेन रोड है जो अब एन एच ने बड़ा बनाने की शुरुआत की है ये उसके मनाजर हैं ये गांव के एक नौजवान हैं जो बकरियां चलाते हैं और ये जा रहे हैं बकरियां लेकर के ये ख़ूबसूरत मनाजर हैं गांव के और मेन रोड के ये गांव जो किसी दौर में राजपूतों का बड़ा शहर माना जाता था बहुत बड़ा हिस्टोरिकल राजपूतों का शहर जिसे नारायण सिंह सोडो की फ़ैमिली ने आबाद किया ये उसके साथ के मनाजर हैं रोड के कि जहाँ से रेलवे ट्रेक का गुज़र होता है कुछ ही दौर में चंदी घंटों के बाद चंदी लम्हों के बाद यहाँ से रेलवे का गुज़र होगा वो भी हम आपको मनाजर दिखाएंगे ये इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं रेलवे ट्रेक जो खास खोखरा पार रेलवे ट्रेक कहलाता है और ये मेन रोड है खोखरा पार शोर रोड कितने जबरदस्त और खूबसूरती मनाजर है क्या मना आप देखें ये एक और मंजर है हम आपको दिखा रहे हैं ये न्यू छोर के बासी है जो आ रहे हैं ये इनसे बात करते हैं साह क्या हाल है आप बता आ, क्या नाम है सर आपका नूर मोहम्मद अच्छा ये नूर मोहम्मद है नूर मोहम्मद ये शायद नूर मोहम्मद सिंधी कहलाते हैं और ये जबरदस्त साहफी रहे हैं न्यूचोर शहर के गांव के बासी हैं इनके पास भी बड़ी हिस्ट्री है ये यहाँ पर जो ठाकुर रहते थे और हिंदू घराने रहते थे यहाँ पर जो प्यार मोहब्बत अमन की जो ये धरती है न्यूचोर शहर इसके हवाले से इनसे बात करेंगे तो सही क्या बताएंगे आप न्यू छोर शहर का क्या मंज़र है न्यू चोर शहर जो है वो एक मारवी एक्सप्रेस ये ये मारवी एक्सप्रेस के मंजर है हम आपको दिखा रहे हैं देखें ये मारी एक्सप्रेस जो जा रही है मिर्प खास और मिर्प खास से होती हुई हैदराबाद जाएगी तो ये बड़े जबरदस्त मनाजर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं मारी एक्सप्रेस जो न्यू चोर के बाद छोर धोरोनारो आशीसर पिथोरो पीर पिथोरो वो भी एक बहुत बड़ा एक बुजुर्ग है जिसकी दरगाह भी पीर पिथोरों की माड़ी मशहूर है जिसके ज्यादातर हिंदू uh, कम्युनिटी की मेंगवाड़ जो बरदरी है वो ज़्यादातर मुरीद हैं वो भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखती है तो ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के लोगों का ये मुतालबा है कि फिलफो ये जो रेलवे ट्रैक है बहाल किया जाए जहाँ से खोखरा और मुनाबा जो रेलवे ट्रैक था वहाँ से जो थर एक्सप्रेस चलती हुई हम आपको दिखा रहे हैं बहुत बड़े शहर न्यू चोर के जहाँ पर आज भी 80 परसेंट हिंदू लोग रहते हैं इनत ही खूबसूरती ये आज है पाक भारत का जो रेलवे ट्रैक है वो भी यहाँ से ही ये पार रेलवे ट्रैक जो है वो इस इलाके से ही था जहाँ से थर एक्सप्रेस चलती थी अमन प्यार और मोहब्बत का ये एक जबरदस्त शहर है न्यूचोर जो पाकिस्तान का इंतई ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत शहर है जहाँ पर आज भी हिंदू लोग प्यार मोहब्बत और अमन में रहते हैं यहाँ पर कोई दुशवारियाँ नहीं हैं कोई परेशानियाँ नहीं हैं लोग सुकून से रहते हैं ये खूबसूरत मनाजर हैं न्यू चोर के हिस्टोरिकल शहर के चलते हैं आगे आपको ले चलते हैं थोड़ा आगे कि दिखाएं आपको और भी मुख्तल मनाजर ये एक नौजवान खड़े हैं इन नौजवान से बात करते हैं ये भी न्यू छोर के हिंदू नौजवान हैं। पूछते हैं पूछते हैं कि ये क्या करते हैं क्या हाल है नमस्ते क्या नाम है जी? हाँ भगत आज तो कैसा लगता है आपको न्यू चूर शहर अच्छा लगता है अच्छा आप क्या करते हैं बकरी रहा है जी बकरी बकरी चलाते आँ। हो आँ। अच्छा, अच्छा अच्छा एक बकरिया कितना मिल जाता है महीना दो जी दो सौ दो रुपये तो ये बकरियाँ किस की जी जीव गाँव वालों की अच्छा गा� गाँव में कौन कौन रहते हैं

बिरपखास खरा पार का जो मेन रेलवे ट्रैक है यही रेलवे ट्रैक थर एक्सप्रेस यहाँ से चलती थी किसी दौर में लेकिन आजकल बंद है सिंध के वासियों का ये मुतालबा है कि ये रेलवे ट्रैक भी बहाल होना चाहिए ताकि दोनों ममालिक के बीच में सफारती ताल्लक़ और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और ख़ास तौर पर जो लोग हैं उनको आने और जाने में ज़बरदस्त सहूलियात मिलेंगी और एक खूबसूरत प्यार अमन और मोहब्बत का माहौल जुड़ेगा ख़ूबसूरत मनाजर ख़ूबसूरत गांव 80 परसेंट यहाँ पर आज भी हिंदू लोग रहते हैं ये है रेलवे ट्रैक न्यू छोर का और ये मंज़र है जो हम आपको दिखा रहे हैं चलते हैं आगे एक और नौजवान से मुलाकात करते हैं पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं ये इनसे मालूम करते हैं ये भी एक नौजवान है दो नौजवान है और पूछते हैं कि ये क्या करते हैं नमस्ते नमस्ते क्या नाम है जेठानंद जी जेठानंद जेठानंद कौन है दर्जी ये जेठानंद दर्जी है जेठानंद दर्जी क्या करते हैं आप कलर का काम कलर का, का काम करते हैं यानी आप रंगावती काम करते हैं इमारतों का कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आठ सौ रूपये आठ सौ हजार रूपए मिल जाते हैं अब यहाँ पर कैसे क्यों आया है बकरी छोड़ने आया बकरी छोड़ने हो कौन सी बकरी है तुम्हारी कहां कहाँ पर है लाल अच्छा अच्छा कितनी चराई देते हो महीने की दो सौ रूपये दो सौ रुपये चराई देते हैं ये बकरिया आ रही हैं और ये मंजर आप देख रहे हैं ये गांव की सारी बकरिया यहाँ पर इकट्ठी होती है ये कुछ और बकरिया भी आई है तो फिर ये कितने अरसे से काम कर रहे हो रंगावती का मारे को दस बारह साल हो गया दस बारह साल से ये काम कर रहे हैं और ये जेठानंद है इन्होंने बताया इनता जबरदस्त खूबसूरत न्यूचोर कैसा लगता है माशाल्लाह अच्छा है अच्छा यहाँ पर तो बहुत लोग रहते हैं हिंदू लोग हाँ, ठाकुर रहते है, बजी रहते हैं हैं सुमरा है और अच्छा समाज है तो ये हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं कट्टे रहते हैं अच्छा प्यार मोहब्बत में और प्यार मोहब्बत में अच्छा अच्छा ये ज़बरदस्त मंजर आपने सुना बातें सुनी और देखी